हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आसानी से हम लोग पढ़ सके या फिर पढ़े हुए चीज़ों को याद रख सके। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे चार तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ या फिर कोई और नहीं बता रहा है। ये सीधी न्यूज़ आ रही है सी न्यूज़ से, जो कि एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है विथ गारंटी। सो आप इस पे पूरा विश्वास कर सकते हैं। अगर उनके बताए हुए टेक्निक्स के राह पर आप अगर चल सके तो आपका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं एकाएक करके टेक्निक्स के बारे में। फर्स्ट वे जो है वो है यूज़ शॉर्ट ब्लॉक्स ऑफ टाइम। इसे हम पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। पोमोडोरो का मतलब होता है टोमेटो इन इटली। पोमोडोरो होता है इंटरवल। आपको कुछ इंटरवल्स चूज़ करना होता है यहाँ पे, लेकिन आप जो इंटरवल्स यानी टाइम पीरियड जो आप चूज़ करेंगे, उस टाइम पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक खासियत होना पड़ेगा कि उसमें आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन दे सके और मिनिमम डिस्ट्रैक्शन आपको हो। तो आप दिन के उस समय को ही लेंगे जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस कम आए और आप कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा दे सकें। इस बीच आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट में आप वो फंक्शंस या फिर प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट कीजिए जो आपके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सबसे पहले आता है। और याद रखिए, आप प्रायोरिटीज़ देते समय उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे जो आपको ज़्यादा मुश्किल देता है या फिर जो काम करने में आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपका जो टाइम इंटरवल होगा वो टाइम इंटरवल होगा 25 मिनट का। 25 मिनट का आप काम करने के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं छोटा सा। ऐसे आप 4 राउंड्स यानी 25 मिनट ब्रेक, 25 मिनट ब्रेक, 25 मिनट ब्रेक, 25 मिनट ब्रेक, ऐसे 4 राउंड्स ख़त्म करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 25 मिनट का जो टाइम इंटरवल जो आप 4 राउंड के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं, उसमें अगर कुछ इंटरप्शन हो जाए तो आप एक नया साइकिल शुरू कर सकते हैं। सेकेंड वे है फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स यू एंड व्हाट यू अवॉइड। आप वो चीज़ को ढूंढिए जो आपको मोटिवेट करता है और वो चीज़ को छोड़िए जो आपको मोटिवेट नहीं करता है। फिलिप कैबल जो है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ डिलावेयर रिसर्च, वो कहते हैं अगर आप कुछ मोटिवेशन के साथ काम करते हैं या फिर मोटिवेशन के साथ आप जीते हैं तो आपका समय जो है वो जल्दी से जल्दी चला जाता है। इस हिसाब से आपका जो गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव होगा। थर्ड वे इज़ क्रिएट समथिंग न्यू इन द प्रोसेस। सो यू कैन स्टार्ट ए सीरीज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स। लेकिन याद रखिए, ये फ्लैश कार्ड्स जो है ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ईच एंड एवरी फ्लैश कार्ड के ऊपर आपको लिखना होगा डेट्स, टॉपिक्स पार्टिकुलरली, जिसके हेल्प से आप भविष्य में जब इमरजेंसी का टाइम आएगा या फिर कम समय होगा आप इजीली उसको रिव्यू कर सकते हैं। द फोर्थ स्टेप इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट इज़ सीकिंग सपोर्ट। आगे का तीनों स्टेप्स के ऊपर काम करने के बावजूद कभी कभार होता क्या है, कुछ डाउट्स वगैरह रह जाता है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं आता है। तो इस मामले में स्टूडेंट अपने टीचर को अप्रोच करे, पेरेंट्स को अप्रोच करे या फिर अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करे, जिससे जिसके द्वारा उसका जो डाउट्स है, उसका जो प्रश्न है, वो जल्द से जल्द उसको आंसर मिले, वो समाधान हो। सो इस मामले में आप बिना देर किए आप आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले, ताकि आपका जो ये साइकिल जो है या फिर आपका जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू होता रहे।